हरदोई जिले के थाना पियानी क्षेत्र में एक ऐसा वाकया सामने आया था जिसमें पुलिस की हर जगह आलोचनाएं की जा रही थी। आपको बताते चले कि पियानी थाना क्षेत्र के मगरापुर निवासी शुभम पुत्र राम किशन संजय शिवांजय ने एक वृद्ध बंदर को मृत पेड़ पर लटका देखा था। इसको लेकर युवकों द्वारा ग्रामीणों के सामने उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। कुछ अराजक तत्वों द्वारा इस बात की सूचना पुलिस को दी गई थी, जिस पर सादत नगर चौकी इंचार्ज रमेश यादव, कांस्टेबल अनूप सिंह, कांस्टेबल विकास यादव तथा शुभम संजय एवं शिवांजय को पकड़ ले गए थे। शुभम द्वारा जब इसका विरोध किया गया तो पुलिस द्वारा विभिन्न फर्जी मुकदमों में जेल भेजने की धमकी दी गई, जिससे बचने के लिए उक्त पुलिसकर्मियों द्वारा 20,000 की मांग की गई, जिस पर शुभम ने 20,000 रुपये ना होने की बात कही थी। इस बात की सूचना शुभम के घरवालों को लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर पुलिस को मैनेज कर 3,000 रुपये देकर शुभम को छुड़ा लिया, जिसको लेकर शुभम की सामाजिक जग हताई हुई, जिसके आहत होकर शुभम ने पुलिस अधीक्षक अमित कुमार से मिलकर आरोपी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए थे, जिसमें घटना का आईजी ने भी संज्ञान लिया था। आईजी ने बंदर प्रकरण के मामले में त्वरित निस्तारण कर जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए थे। पियानी कोतवाली की सादा नगर चौकी के हेड कांस्टेबल अनूप सिंह, रमेश यादव व कांस्टेबल विकास यादव को जांच में दोषी पाकर एसपी अमित कुमार ने सस्पेंड कर दिया है। बताने के लिए गाँव के व्यक्ति घटना रहे थे, कुछ थाने के सिपाही जाकर उनसे पैसा इत्यादि की मांग की और इस आधार पर शिकायत हुई। एडिशनल एस पी ने उसको जाँच किया था और जाँच के बाद जो मेरे पास दो आरक्षी है, एक मुख्य आरक्षी है, उसको निलंबित कर दिया।